आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ व्रत में खाने वाले कद्दू के पकौड़े। नवरात्र भी चल रहा है तो कद्दू के पकौड़े खाते हैं। ये देखिए, कद्दू को हम छील के इस तरह से गोल काट लिए थे। इसमें मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, इसको इस तरीके से मिला के छोड़ देंगे ताकि नमक जो है सेंधा नमक वो अंदर तक चला जाए। चम्मच की सहायता से या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच बेसन। एक चम्मच मैदा, आप चाहें तो मैदा डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। 1 टेस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेस्पून मिर्ची पाउडर मैं डाल रही हूँ। 1 चुटकी मैं खाबर सोडा डाल रही हूँ। 1 चम्मच खाबर सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसको पानी डाल के इस तरीके से मिला लूंगी। ये देखिए, इसको इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप चाहे तो इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं गैस ऑन कर लूंगी। अब मैं इसमें 3 टेस्पून रिफाइंड तेल डाल रही हूँ कद्दू के पकौड़े छानने के लिए। ऐसे कद्दू लेके इसको ऐसे ऐसे इस तरह से करके कढ़ाई में डालूंगी। तेल गरम हो गया है। गैस को हम लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब मेरे कद्दू के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। देखिए ब्राउन कलर का हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये देखिए, सभी कद्दू के पकौड़ों को मैंने निकाल लिया है। कितने अच्छे तरीके से बन। ये देखिए दोस्तों, कद्दू के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।